हे गाइस, आज की वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ आर्टिमेंड ऐप को कैसे यूज करें, कैसे चलाएं, कैसे उसे वीडियो को क्रिएट करें और ट्रेंडिंग इमेज कैसे बनाएं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्ट होने वाली, प्लीज़ यार वीडियो को पूरा वॉच करना और चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, वो बिल्कुल फ्री होता है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ, आर्टिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पर सिंपली टिक कर दिया है। अब टिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आपके सामने। उसके बाद आपके सामने एक ऐड आएगा, इस ऐड को ऊपर से आपको क्लोज कर देना है। ओके, क्लोज करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंग्लिश। ओके, एंड ऊपर आपको एक राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको टिक कर देना है एक बार। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे एंड नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट का, आपको इस पर टिक करना है, फिर से टिक करना है। ओके, एंड फिर से टिक करना है, आपको तीन बार टिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपकी पिक है, यहाँ पर बहुत सारी पिक देखने को मिल जाती हैं, पिक स्टाइल फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब जैसी आपको पिक बनानी है आपको अपनी, जो आपने फ़ोटो को खींच रखा है, तो यहाँ पर आपको उस वॉलपेपर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 3D आर्ट हो गया, स्टार बार हो गया, ठीक है ना, एंड बहुत सारे हैं, और ये है वाटर कलर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब क्लिक करता हूँ इस पर 3D आर्ट पे, ठीक है, इस पर आपको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद आपको ऊपर एक एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली एक बार आपको इस पर टिक करना है। अब टिक करेंगे जैसे यहाँ पर लोडिंग लेना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, आपको यहाँ पर अलाउ करना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद आप अपने गैलरी में पहुंच जाओगे, जो भी इमेज आपने खींच रखी है किसी की भी है, ठीक है, तो यहाँ पर उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के लिए एक इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस अल्लू अर्जुन की इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली एक बार उस पर आपको टिक करना है। यहाँ पर मैं टिक कर दिया है एंड यहाँ पर इमेज के साइज को सेलेक्ट कर लेंगे, क्रॉप कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने इस इमेज के साइज को थोड़ा छोटा कर लिया है एंड ऊपर एक राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जनरेट का, इस पर आपको टिक करना है। अब जनरेट पर क्लिक करने के बाद एक ऐड आ जाता है, इस ऐड को आपको देखना पड़ेगा भाई, ये ऐप बिल्कुल फ्री है, तो कम से कम उसके ऐप को देखना तो बनता ही है, जो भी ऐड आ रहा है। डाउनलोड नाउ, पर 20-22 सेकंड का ऐड होता है, आपको वॉच कर लेना है। ऐड वॉच करने के बाद आपको ऊपर से इसे क्लोज कर देना है, यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पर वेटिंग लिखा हुआ आ रहा है, वेट फॉर, ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया है एंड ऊपर एक राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली राइट वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो इमेज थी अल्लू अर्जुन की वो कुछ इस प्रकार की हो चुकी है। सो इसी प्रकार से यहाँ पर आप अपनी इमेज को क्रिएट कर सकते हो, ट्रेंडिंग इमेज बना सकते हो, वो भी आसान एंड सिंपल तरीके से। यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी स्टाइल्स में अपने फ़ोटो को बना सकते हो, नीचे आप देख पा रहे हो बहुत सारे हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप इस ऐप को यूज करना सीख गए हुए और ये आपको वीडियो भी काफ़ी पसंद